Hello everyone, welcome back to Tutsam Morsel by Mishi. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तुत्सम मॉर्सल बाय मिशी को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। आज की हमारी रेसिपी है कर्नाटका स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी चौचो बात। चौचो बात को हम दो अलग अलग रेसिपीज के साथ तैयार करेंगे, वो है खारा बात या उपमा जिसे कहते हैं और मीठा भात। तो आइए आगे बढ़ते हैं पहली रेसिपी खारा बात के साथ। खारा बात बनाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। सूजी 1 कप, पानी 750 ml, एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़े से करी पत्ते, हरी मिर्च 3 से 4 स्लिट किए हुए, बारीक कटी हुई हरी धनिया थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून बारीक कटे हुए गाजर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चना दाल, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 पिंच, ऑयल 2 टेबल स्पून। खारा बात बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल और तेल को हल्का गरम कर लेंगे। अब इसमें जाएगा राई, करी पत्ती, अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और चना दाल। चना दाल को हल्के से भूनना है। फिर इसमें डालेंगे कटे हुए गाजर, चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसमें जाएगी कटी हुई प्याज, प्याज को हमें सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। दोस्तों हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छे से चलाते हुए टमाटर को मशी होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। अभी इसमें जाएगा नमक, एक बार ये अच्छे से चला लेंगे और पानी डालेंगे। हमें पानी को अच्छे से बॉईल करके लेना है। दोस्तों पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ मैंने रोस्टेड सूजी ली है, अगर आपकी सूजी रोस्टेड नहीं है तो आप उसे आप पहले रोस्ट कर लें। हमें स्टिर करते हुए सूजी को मिलाना है ताकि इसमें लम्स ना फॉर्म हो। अच्छे से चला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक सिमर करके पकाएंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ी धनिया पत्ती और 1 टीस्पून घी। दोस्तों खारा भात तैयार हो चुका है, अब हम बनाएंगे मीठा भात। मीठा भात बनाने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी, घी 1/2 कप, काजू और किशमिश गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 टीस्पून घी, 1/2 काजू और किशमिश को रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से चलाते हुए दोनों को रोस्ट कर लेंगे।
दोस्तों काजू और किशमिश रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब लेंगे एक दूसरा पैन, उसमें डालेंगे पानी और पानी को बॉईल करेंगे। दोस्तों पानी बॉईल हो चुका है, अब हम स्टिर करते हुए सूजी डालेंगे। ये रोस्टेड सूजी है, आपकी सूजी रोस्टेड नहीं है तो पहले रोस्ट कर लें अच्छे से। अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। दोस्तों सूजी ने पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी और अच्छे से चला लेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, अच्छे से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों हमारी सारी चीनी घुल चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, आप चाहे तो सैफ्रन कलर भी यूज कर सकते हैं। चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप घी, अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें काजू और किशमिश डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें कार्डमम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने नहीं किया है। मुझे थोड़ा घी कम लग रहा है तो मैं यहाँ और थोड़ा ऐड करूंगी। दोस्तों हमारा मीठा भात भी बनकर तैयार है, आप भी जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे रेसिपीज अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।